शहर के श्री राधेश्याम विहार कॉलोनी में आगामी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में शिव मंदिर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला संस्कार मंच के तत्वाधान में 9 दिवसीय शिव चर्चा का शुभारंभ किया गया है। सोमवार को पहले दिन आचार्य पंडित सतीश तिवारी ने भगवान शिव की चर्चा करते हुए बताया कि हमारा जीवन भगवान के बिना रिक्त है। शिव चर्चा से पहले कथावाचक पंडित मोहित पाठक, आचार्य पंडित संतोष भारद्वाज, हरिओम दाव, नरेंद्र शर्मा सहित अन्य का मंच के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने सम्मान किया। इस मौके पर एक दर्जन से अधिक विप्रजनों का सम्मान किया गया। शिव चर्चा के प्रथम दिन भजन गायक गिरिराज भारद्वाज, मयंक शर्मा सहित अन्य ने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं आचार्य श्री शर्मा ने कहा कि भगवान शिव की चर्चा और उनके प्रवचन जगत का कल्याण करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का अमर चरित्र जीव को सभी इच्छाओं से मुक्ति दिलाता है। शिव की भक्ति का प्रभाव जब जीवन में होने लगता है तो जीव के सांसारिक बंधन टूटने लगते हैं और जब अंतर्मुखी होकर परमात्मा की शरणागति रहकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझता है। शिव चर्चा जीवन में आत्म तत्व को जागृत कर सभी अन्य लोगों से शिव भक्तों को अलग करती है। उन्होंने कहा कि शिव की भक्ति धारण करने से जीव से सुख समृद्धि समरसता एवं भक्ति का दिव्य भाव प्रकट होता है, जिससे वह धर्म भाव में जीवन यापन कर भगवान की अनुभूति करता रहता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर जीवन जीने का अर्थ प्राप्त करता है। शिव की प्राप्ति ही जीवन का मूल उद्देश्य है, इसी में जीवन का परम कल्याण है। विश्वानि देव सवितुरितानि परासुभ यद्वदरं तन्न आशुभ पुनस्त्वादिया रुद्रा पशुवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्माणो पशुनीतजग्नैः घृतेन त्वन्तम्। सिहू से धीरज साहू की रिपोर्ट। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।